गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम जा रहे हैं डाउनटाउन टोरंटो। $100 का हमने बजट प्लान किया है और हम बहुत अच्छी अच्छी जगह जा रहे हैं। यहाँ से हम सीधे जाएंगे किपलिंग स्टेशन, किपलिंग स्टेशन से हम जाएंगे रिप्लीज एक्वेरियम और उसके बाद जाएंगे हार्बर फ्रंट। एक्चुअली मैंने ओवर कमिट कर दिया है स्टार्टिंग में। सो हार्बर फ्रंट के बाद हम जा रहे हैं वर्ल्ड्स बेस्ट फूड मार्केट जिसका नाम है सेंट लॉरेंस और इसको नेशनल ज्योग्राफिक ने वर्ल्ड्स बेस्ट फूड मार्केट का टैग दिया है, टाइटल दिया है। बीच में अगर हमें टाइम मिला तो हम जा रहे हैं टोरंटो आइलैंड भी, लेकिन सुनने में आया कि वहाँ की जो लेक है वो जमी हुई है, तो वी हैव टू फिगर आउट अ वे जैसे कैसे हम अंदर जा सकते हैं। बट वी हैव टू मेक श्योर कि $100 से ऊपर हम नहीं खर्च कर रहे हैं, बट इट्स गोइंग टू बी फन क्योंकि हमने जो चूज़ किया है इट्स वेरी प्लान्ड आउट और वन बाई वन वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दीज प्लेसेस। एंड इफ यू आर नॉट ऑलरेडी फॉलोइंग मी, मैं अप्रैल में मैंने कैनेडा में ट्रैवल किया था स्टूडेंट वीज़ा पे और मेरी पढ़ाई खत्म हो गई थी दिसंबर में 2021। अभी 2022 आज है 1st of February, 31st तक लॉकडाउन था और 1st of February से कनाडा में सब कुछ ओपन हो गया इंक्लूडिंग ऑफिसेज एंड स्कूल्स, रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी पे और जिम्स भी खुल गए हैं। तो और बेस्ट पार्ट ये है कि पिछले एक दो महीने में टेम्परेचर माइनस से प्लस में गया ही नहीं था और आज फाइनली +1 degree है, तो वी आर वेयरिंग नॉर्मल क्लोथिंग, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं पहनना है। तो इट्स गोइंग टू बी फन, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर डाउनटाउन टोरंटो टुडे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस वी आर एट किपलिंग स्टेशन और यहाँ पर अभी तक ब्रैम्पटन में हम रहते हैं, वहाँ से यहाँ तक आने में हमें लगा है $3.10 ओनली क्योंकि हमारे पास प्रेस्टो कार्ड है, तो लेट्स ऐड दैट। और उसके बाद अब हम यहाँ से सबवे पकड़ के वी आर गोइंग यूनियन स्टेशन, सो सी यू एट यूनियन स्टेशन नाउ। सो गाइस वो 10 किलोमीटर की टनल क्रॉस करके वी आर हियर, वी हैव टू गो साउथ साइड विच इज 2, या प्लेटफॉर्म 2। टू फिर वन पकड़ना है तो। हाँ मतलब यूनियन स्टेशन के लिए साउथ साइड की पकड़नी है, तो वी हैव टू टेक साउथ साइड का सबवे स्टेशन, जैसे दिल्ली का मेट्रो होता है वैसे ही ऑलमोस्ट सेम। यस सो अभी पूरा का पूरा ये खाली है ट्रेन और वीक डे है सबसे बड़ी बात। नॉर्मली डाउनटाउन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बट आज अभी उतनी नहीं है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो भाई लोग थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म करने के बाद हमें ये समझ आया कि हम अभी हैं यहाँ पे किपलिंग स्टेशन और किपलिंग स्टेशन से हमें जाना है यहाँ पे स्पदीना से उतर के हमें जाना है यूनियन स्टेशन। सो यहाँ से हमें लेनी पड़ेगी सबवे फिंच। स्पदाइना स्टेशन, इसका प्रोनंसिएशन है स्पदाइना। तो गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि हमें आने में लग गया 2.5 घंटा, तो अभी हुआ है 3:30, हम 3:30 पे पहुँचे यूनियन स्टेशन और वो जो वर्ल्ड्स बेस्ट फूड मार्केट है वो 5 बजे बंद हो जाती है, तो हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं फूड मार्केट। और भाई लोग यूनियन स्टेशन से बाहर निकलते ही कुछ ऐसा सा व्यू रहता है, ये बिल्डिंग ख़त्म ही नहीं होगी क्या? हो गई, बहुत ज़्यादा ऊंची सी बिल्डिंग रहती है। और ये हम फाइनली आ गए डाउनटाउन टोरंटो, किसी बिल्डिंग के पीछे से मेरे को दिखने वाला है बहुत ही जल्दी सीएन टावर, और ये रहा सीएन टावर। तो यूनियन स्टेशन के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। अभी हम जा रहे हैं सेंट लॉरेंस, यहाँ से कुछ एक 400 मीटर्स की वॉक पे है। ओके सो 400 मीटर्स चलने के बाद ऑलमोस्ट हमें सामने सेंट लॉरेंस मार्केट दिख रहा है, वो रहा वो जो बिल्डिंग में लिखा है, दैट इज सेंट लॉरेंस मार्केट। तो वो था, यहाँ से हम अंदर घुसे और ये एंट्री में ऐसा कुछ दिखता है, काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट दिख रही है, जो बाहर से मैंने अभी लेफ्ट टू राइट पूरी बिल्डिंग दिखाई है। वो यही बिल्डिंग है, उसमें हम लेफ्ट साइड से अंदर आए हैं एंड दिस लुक्स सो बिग एंड नाइस, दिस इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट फूड मार्केट इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन कैनेडा। तो क्यों बेस्ट है वो हम फिगर आउट करेंगे, ऑब्वियसली हमने कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली देखी हैं जो हमें ट्राई करनी है, बट
मोस्टली यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा रहता है बिकॉज दे आर फेमस फॉर देयर फूड. ये लोग फिगर आउट कर रहे हैं क्या क्या खा सकते हैं. कैरोसिल बेकरी एंड दे हैव अ लॉट ऑफ बेकरी स्टफ. दिस इज द मोस्ट फेमस बेकरी ऑनलाइन वी रिसर्च एंड समवन सजेस्टेड वी शुड ट्राई समथिंग फ्रॉम हियर. तो दिस द मेन्यू वी आर गोइंग टू ऑर्डर समथिंग एंड आई विल शो यू व्हाट वी आर गोइंग टू ऑर्डर. ओके सर, डाउनस्टेयर्स एक कॉफ़ी शॉप है, हम जा रहे हैं वहाँ पे कॉफ़ी और डाउनस्टेयर्स ही हम जाके वहाँ पे बैठ सकते हैं. हमने वो पीछे वाली शॉप जो मेरे वहाँ से बर्गर्स लिए हैं जो आपको दिखाया अभी, और अब हम नीचे जा रहे हैं. दिस इज डाउनस्टेयर्स. तो भाई लोग अभी ढूंढ रहे हैं नंबर 86 स्टोर फॉर अवर कॉफ़ी. बैठो सर, वो एंड में चलो द प्लेस इन लाइक इन द एंड, वहाँ पे हम बैठ सकते हैं. भाई कॉफ़ी कितने की मिली? ओके, $8.5 की हमें कॉफ़ी पड़ी है और $19 के हमें वो दो बर्गर जैसे पड़े हैं, सैंडविचेस नॉट बर्गर्स. तो 19 प्लस ये जो भी है मैं नीचे ऐड करता जा रहा हूँ. तो लेट्स सी जो टोटल होता है स्पाइसेस. सो लोअर वाले सेगमेंट में एंड में राइट साइड में वी गॉट अ प्लेस टू सिट जहाँ पे हम अपना वैक्सीनेशन का प्रूफ दिखा के बैठ सकते थे. ये रहा बेकन सैंडविच, पी मील बेकन सैंडविच. दिस इज़ अवर कॉफ़ी, इट लुक्स ब्यूटीफुल. एंड दिस इज़ चिकन जो कि बहुत ज़्यादा सही दिख रहा है. ओ वाओ डूड, दिस लुक्स सो गुड. कैसा है टेस्ट? एक्चुअली गुड, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द वीडियो. ओके, देखो कैसे दानवों की तरह खा रहा है. ओके गाइस, इसका टेस्ट मैं अपने हिसाब से बताता हूँ मेरे को कैसा लगा. ये इसके अंदर सॉसेस नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा मेयोनीज और ऐसा कुछ भी नहीं है, बट क्वालिटी ऑफ चिकन इज़ सो गुड और ब्रेड बहुत अच्छी है. तो इट टेस्ट लाइक वेरी रिच मील बट बहुत ज़्यादा बेसिक सा टेस्ट है. बेसिक मीन्स प्लेन टेस्ट है, बट व्हेन यू ईट इट यू फील गुड. आई फील गुड. प्योर मैपल सिरप. ओके ओके, वो येलो वाले पे प्योर मैपल सिरप. क्या है भाई? बेगल स्मोक सैमन एंड क्रीम चीज. वो choose this from that Chinese shop, right? Very good. Proper जो best मैं खाया हुआ है ऐसा, ये अब तक का जो best खाया है ये वैसा सा taste है. Very nice. भाई जो तुम smoked salmon bagel लाए थे cream cheese वाला, वो कितने का लाए थे? वो पड़ा 9.6. और ये काफी tasty था. ये हमें $4.50 में मिले ना. Four point four. Actually, the closing deal was 5, but still we gave them only 4.5. भाई लोग खा लिया, बहुत मजा आया. कैसा था ओवरऑल एक्सपीरियंस, कैसा लगा? बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी खाना था. जो पे करते हो, जो स्पेसिफिक डिश मांगते हो वो आपको मिलती है एंड द टेस्ट इज एग्जैक्टली द सेम, और वो जो बेस्ट हो सकता है उसका वो वर्जन होता है. तो इट्स वेरी गुड. सो या नाउ वी आर गोइंग टू एक्वेरियम. अभी थोड़ा हमने ज़्यादा खा लिया तो थोड़ा सोडा हो जाए, पेट को आराम मिल जाए सबके. मेरे लिए नहीं लाए, शेयर टू या विल शेयर, शेयरिंग इज केयरिंग. इसी यही करके हमने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी है. एक इतना भारी था कि एक बर्गर एक सैंडविच कोई भी खाता तो पेट भर जाता. हमने एक एक सैंडविच लेके तीनों ने शेयर किया है. दैट्स वाई वी कुड टेस्ट लाइक 3-4 डिफरेंट आइटम्स. ये
प्लेन सोडा दिखाना दैट इज नॉट फॉर यू बिकॉज यू आर वेयरिंग ग्रीन एंड यू कैन नॉट टच द ग्रीन वो टेस्टी है इसलिए नार्सिसिस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं या दिस गाय इज नार्सिसिस्ट यू आर प्लेइंग ओनली योर ओन कार्ड एंड दिस गाय और ये एक्वेरियम की एंट्री अब जिस पे हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं अंदर से म्यूजिक की आवाज़ आ रही है आप देख सकते हो फोटो आईडी चाहिए फोटो आईडी हाँ कोई फोटो आईडी चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं है फोटो आईडी है आई हैव डिजिटल सो गाइस इफ यू आर गाइस आर इन कनाडा रिमेंबर वो QR कोड जो वैक्सीनेशन का है वो लेके आओ मेरे को बहुत बड़ा पंगा होने वाला था बट दे वर जेनरस कि मेरा खाली वैक्सीनेशन प्रूफ देख के दे आर लेटिंग मी इन ये दोनों भाइयों के पास QR कोड था तो इट वाज इजियर फॉर देम टू लाइक बुक अकॉर्डिंगली बट और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अंदर जाके टिकट काउंटर से टिकट बुक करना है तो वी आर राइट नाउ बुकिंग टिकट्स ऑनलाइन तो अवेलेबिलिटी है लकीली तो हम बुक कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन बुक करके आओ एंड वैक्सीनेशन का QR कोड लेके आओ Oh my god, this looks so good. जैसा बाहर लग रहा है नहीं. This is all interior. One direction, dude. Yeah. And they're going backwards. Yeah. पानी का वो. Lazy fish. Oh shit, देख रही है. Hi, lazy fish. इसकी नाक देखो. ऐसा एक्वेरियम ना घर पे लगवाऊंगा एक दिन देखना ओ माय गॉड भाई ये बहुत बड़ी है दिस इज माय हैंड सी दिस वेरी बिग ये मर गई क्या नहीं ये जिंदा है भाई प्ले डेड इसमें मछलियां हैं बट हिल नहीं रही कहां है ये मेरी हाइट जितना बड़ा है Oh my god. Wow. You see this? They have these tubes like this. No flash. No flash, right? No flash at all. Q? Likha hai. No flash for the octopus. Like no days off so you can go home with it jump on jealousy my bad get away from this I've been working all day can a nigga catch a break give a pretty brown